अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपके साथ कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने कीमा लिया है 1 kg, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल, गरम मसाला 1 टेबल, हल्दी 1 टी, कुटी लाल मिर्च 1 टी, सॉल्ट हसबे जायका, और हरी मिर्च ले ली है मैंने चॉप करके 1 टेबल, अदरक लहसुन 1 टेबल, 1 कप ब्राउन प्याज, फ्राई हुई हुई ब्राउन करी हुई प्याज 1 कप, और बेसन ले लिया है 1 कप, हरा धनिया ले लिया है 1 कप, इन सब लेमन जूस ले लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। अच्छा, इन सबको मैं अच्छे से मैश कर मिलाऊंगी, मिक्स करूंगी। उसके लिए मैंने हल्का सा ऑयल अपने हाथों पे लगा लिया, ताकि मिर्चें मसाले की जो तेज़ी है वो मेरे हाथों में ना लगे। अच्छी तरह से इसको फोल्ड करना है, मिक्स करना है, मैश करना है, जो भी आप कह लें इसको, जल्दी जल्दी से हम कर लेंगे फास्ट फास्ट। अच्छा जी, जब ये अच्छे से हो जाएगा तो हमने इसको मैरिनेट करके तकरीबन हमने इसको रख देना है 1 से 1.5 से 2 घंटे। जितना रखेंगे उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होगा। अच्छा, मुझे बनाना था जल्दी, तो मैंने फौरन इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, और जब मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया तो मैंने इसके साथ ही साथ जो है वो कबाब स्टार्ट कर दिए। फिर अगेन जो है आप हाथ पे ऑयल ले लें, उससे ये होता है कि आपके थोड़ा मिर्चें वगैरह नहीं लगती, गोल गोल से इसके शेप बना लें। शेप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, इसका कोई शेप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। मैंने ज़रा ये चमचा लगा के थोड़ा गोला कबाब स्टाइल दे दिया है, वैसे है ये कच्चे कीमे वाली, तो अब आपने अपनी मर्ज़ी से दे देना है शेप, शामी कबाब वाला दे दें, गोला कबाब वाला, सीख कबाब वाला, जो भी आपको अच्छा लगे। बस शेप देके इसको अच्छे से अब देखें, इसमें ये प्रेस करके जो चमचे का मैंने जो इसमें ट्रिक आपको बताई है शेयर की, इसीलिए कि ये थोड़ा ना अच्छा लगता है लुक। अच्छा, इसको जितना मैरिनेट करके छोड़ेंगे ना उतना अच्छा लगेगा। बाकी ये मैंने जल्दी जल्दी से फास्ट फास्ट इसके काफ़ी सारे जो है ना बॉल्स बना लिए हैं, और बॉल्स बना के मैंने प्लेट में रख लिए हैं, और थोड़ा मैरिनेट आपने ज़्यादा करना है। अब ये हमारे पास यहाँ पे रेडी है, अब मैं इसको जल्दी से ले चलती हूँ फ्राइंग की जानिब। अच्छा, इसको लो मीडियम पे फ्राई करना है, हमने हाई मीडियम पे नहीं करना, लो मीडियम पे इसको फ्राई करेंगे, ताकि अच्छे से अंदर से भी गल जाए। और वो जो चमचे वाली ट्रिक थी ना, वो थोड़ी इसलिए भी थी कि ये अंदर से भी कुक हो जाते हैं अच्छे से, अंदर से भी इनकी होल हो जाता है, तो ये कुक होने में इजीली कुक हो जाते हैं।